हमको समझना है ये आरएसएस की सोच है। इस तरीके से लोगों के दिमाग को कुंठित करके, लोगों को दिमाग को कमजोर करके, लोगों को ये समझा के कि अभी हिंदू धर्म केवल इतना ही बचा है, बीजेपी आरएसएस मतलब हिंदू धर्म, बीजेपी आरएसएस जीत गई हिंदू धर्म जीत गया, बीजेपी आरएसएस हार गई हिंदू धर्म हार गया। तो उनके दिमाग में ये चढ़ाया हुआ है कि बीजेपी आरएसएस ही हिंदू धर्म है। और ऐसे ना जाने कितने सारे अंधभक्त बीजेपी आरएसएस ने पैदा कर दिए। गालियां बक रहे हो, मुफ्त कोर कह रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि तुमको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से दिमाग को कुंठित करके नौजवान पीढ़ी को दिमाग में ये धर्म का नशा चढ़ा के केवल लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान चढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके के जो अंधभक्त बीजेपी आरएसएस पैदा कर रहा है, दिन रात क्लासों में पढ़ा रहा है, सुबह 5 बजे उठ के उनके दिमाग में ये विकृति घुसा रहा है, इसीलिए इस तरीके के अंधभक्त देश में पैदा हो रहे हैं। ये अंधभक्तों का गलती नहीं है। अंधभक्त मैंने ऐसे समझा कि मनुष्य का दिमाग तो खाली स्लेट की तरह है, खाली मेमोरी कार्ड की तरह है, जो उसके दिमाग में भरोगे वही जो है बचेगा। तो बीजेपी आरएसएस नौजवानों के दिमाग में केवल यही भरना चाहता है कि भारत देश का मतलब है बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी अमित शाह, भारत देश का विकास का मतलब है बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह बीजेपी आरएसएस, जीडीपी जीडीपी का मतलब है नरेंद्र मोदी अमित शाह, सब कुछ नरेंद्र मोदी अमित शाह बीजेपी आरएसएस, बस दुनिया का सब कुछ है ये, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो साथियों बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही दुखद विषय है कि हमारे देश का यूथ, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का पढ़ा लिखा आदमी देश के बारे में नहीं सोच रहा, उसके दिमाग में खाली बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी अमित शाह हिंदू धर्म, हिंदू इसका मतलब जो है हिंदू धर्म का मतलब बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी अमित शाह, हिंदू धर्म का मतलब बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी अमित शाह, बस इसके अलावा उनका कोई गाना नहीं है। हर चीज का जवाब हिंदू धर्म नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बस हर चीज का जवाब यही है। हर एक समस्या का समाधान हिंदुस्तान पाकिस्तान, बेरोजगार नौ रोजगार मांग रहा है तो उन्हें पकड़ो 370, पकड़ो राम मंदिर। और ऐसा भविष्य हमारे देश का बीजेपी आरएसएस की जो राजनीति है, भाजपा है, वो बनाना चाहती है। इसलिए साथियों जो भी ये अंधभक्त हैं, अंधभक्तों से भी निवेदन है कि थोड़ा एजुकेट करें अपने आप को और पढ़ाई करें, शिक्षित हो, पढ़ाई लिखाई करें, ताकि आपको समझ पाए कि भारत देश क्या है, भारत देश की समस्याएं क्या है, भारत देश की राजनीति क्या है, राजनीति के क्या सवाल होना चाहिए, राजनीति का मतलब क्या है, राजसत्ता का मतलब क्या है, ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, ये अमेरिका की अर्थनीति क्या है, देशी विदेशी कंपनियां क्या है, कंपनियों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक नीति क्या है, ये सब समझ में आएगा आपको। जब तक ये समझ में नहीं आओगे तो ऐसे अंधभक्त रहोगे। देश के साथ राजनीतिक साजिश है ये, यही दिमाग की गुलामी है, यही आरएसएस और बीजेपी जो है लोगों को दिमागी रूप से कुंद कर रहा, धर्म के नाम पे दिमागी रूप से उनके दिमाग को बंद कर रहा, धर्म के नाम पे, धर्म के अंदर डल लालच की थ्योरी लगा के मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल कर रहा और मनुष्य को अपने हिसाब से जीने, अपने हिसाब से बात करने, अपना परम गुलाम बनाने के लिए सारे वर्किंग हो रही है, जिस वर्किंग का नतीजा ये अंधभक्त है, जो अंधभक्त पैदा हो रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने अंधभक्त हैं इनके पास तक ये पहुंचाए कि भारत देश का मतलब बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं है,
भारत देश का मतलब बहुत बड़ा भारत देश है, भारत की अवधारणा बहुत बड़ी है, हिंदू धर्म की अवधारणा भी बहुत बड़ी है। इस अवधारणा को समझे और ये कुंठित रूप से जो हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, इसको समझेंगे आप लोग तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज में सहयोग करेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ